हेलो एवरीवन वेलकम टू पाठशाला तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड डाटा कम्युनिकेशन में कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज के टॉपिक पे तो ये टॉपिक जो है आपका इस बिहार पॉलिटेक्निक का जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है उसके सिक्स सेमेस्टर के हिसाब से एज पर टू सिलेबस बना हुआ है बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से मैं बना पढ़ाने वाली हूँ तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में ये यूनिट वन का चैप्टर है तो सबसे पहला सवाल इसमें है कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी तो टोपोलॉजी कहते किसे हैं तो किसी भी तरीके का जो आपका स्ट्रक्चर होता है नेटवर्क में उसे टोपोलॉजी कहते हैं या फिर आप कह सकते हैं ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द नोड्स इन अ नेटवर्क तो ये एक डेफिनेशन है कि जो, जो या जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी तो कंप्यूटर तो तो को का कोई भी एक नेटवर्क है तो उसमें डिवाइसेस जो भी हैं आपके उन्हें डिवाइसेस को ही नोड्स कहा जाता है तो वो डिवाइसेस किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है उस नेटवर्क में उसे ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजीज के टाइप क्या होते हैं तो ये सारे टाइप्स आपको पढ़ने हैं सिलेबस uh, में तो सबसे पहला है टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी तो ये सारे के ही टोपोलॉजीज uh, के जो भी टाइप्स है आपके वो मैं धीरे uh, धीरे करके एक एक करके सारे अच्छे से डिटेल में बताऊंगी इस वीडियो में मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इन सारे टाइप्स का और इनके बाकी सारे जो डिटेल में जो भी आपके जो भी उसके बेनिफिट्स हुए या फिर लिमिट्स हुई वो सारी चीजें आपको मैं एक एक -कर करके डिटेल में बताऊंगी अलग अलग वीडियोस में ओके तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट टेपोलॉजी तो ये एक डायग्राम है या फिर आप कह सकते हैं जोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पॉइंट टू पॉइंट टेपोलॉजी में आपके दो डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है एक सिंगल केबल के थ्रू और इसमें ये डिवाइस पहली डिवाइस दूसरे डिवाइस को कोई इंफॉर्मेशन दे सकती है और दूसरी डिवाइस पहली डिवाइस को इंफॉर्मेशन देती है तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि वन टू वन कम्युनिकेशन होता है सिर्फ और सिर्फ दो डिवाइसेज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है इसीलिए इन्हें पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कोई भी डाटा का आदान प्रदान हो रहा है जो भी ट्रांसफर हो रहा है डाटा ठीक है अब हम देखेंगे दूसरी बस टोपोलॉजी तो इसमें ये जो बीच में बस होता है तो बस जो होता है आपका केबल्स के ग्रुप को ही बस कहा जाता है तो ये जो बस है बीच में जो ये केबल गया वो बस है और उस बस के थ्रू बाकी सारे डिवाइसेज हमारे कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छह डिवाइसेज आपके कनेक्टेड है तो ये सारे के सारे जब कम्युनिकेट करते हैं तो ये बस के थ्रू ही करते हैं अगर इस डिवाइस को इस डिवाइस के पास कोई इंफॉर्मेशन भेजनी होगी तो ये डिवाइस सबसे पहले बस को वो इंफॉर्मेशन भेजेगा और वो इंफॉर्मेशन बस के थ्रू ट्रेवल होकर के इसके पास जाएगी आप ये कह सकते हैं कि जो बस है वो ट्रांसमिशन मीडिया की तरह ही काम करता है तो वही इसीलिए इसे बस टोपोलॉजी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक बस का यूज किया जा रहा है कम्युनिकेशन के लिए अब हम देखेंगे स्टार टोपोलॉजी तो स्टार टोपोलॉजी में आपका एक हब होता है तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आपको डायग्राम दिया गया है जिसमें एक हब होता है जिससे बाकी इसके सारे डिवाइसेस आपके कनेक्टेड और ये एक स्टार का फॉर्म ले रहे हैं आप ये कह सकते हैं कि स्टार है जो चमक रहा है और अलग अलग आपके उसके नोड्स हैं जो चमक रहे हैं तो ये, ये स्टार के जैसा दिखता है इसीलिए इसका नाम स्टार टोपोलॉजी रखा गया है तो इसमें अगर किसी भी डिवाइस को किसी दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना होगा इस टोपोलॉजी में तो सबसे पहले ये डिवाइस हब को वो इंफॉर्मेशन भेजेगा और उसके बाद हब फिर डिसाइड करके किस किसको भेजना है लाइक बोला कि मुझे इसका नाम अगर हम रख देते हैं सी वन और इसका नाम रख देते हैं सी थ्री तो अगर इसने यहाँ पे हब को इंफॉर्मेशन भेजी और उसमें साथ में ये भी लिख के भेजा कि मुझे ये इंफॉर्मेशन सी थ्री को ट्रांसफर करना है तो हब यहाँ पे C3 को वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देगा तो यहाँ पे हब का जो है वो मेन रोल होता है और हब ही मेनली जो भी फंक्शन होता है वो करता है मतलब ट्रांसफर करने का इधर उधर करने का और इसमें अगर किसी भी नए अगर हमें किसी नए डिवाइस को ऐड करना होगा तो हम आराम से ऐड कर सकते हैं लाइक यहाँ पे एक केबल लगाकर एक नया डिवाइस ऐड कर दिया तो ये आपका एक और डिवाइस एड हो गया तो ये स्टार टोपोलॉजी है क्योंकि ये स्टार की तरह दिखता है अब हम देखेंगे रिंग तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक रिंग के फॉर्मेशन में है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इसीलिए इसे रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है तो इसमें चार डिवाइसेज है अगर तीन के साथ कनेक्टेड होता है आप मान लीजिए कि ये तीन डिवाइसेज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो यहां पर भी वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कनेक्ट करके मतलब एक सर्किल कंप्लीट कर देते हैं यहां से स्टार्ट हुआ ये यहाँ पे खत्म हो गया इसीलिए इसे रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है और इसमें अगर किसी भी डिवाइस को अगर हमें इस C1 है और ये सी है तो C1 को अगर C3 के पास कोई इंफॉर्मेशन भेजनी होगी पहले C1 इसे भेजेगा फिर ये इसको भेजेगा इस तरीके से ट्रैवल होता है कोई भी इंफॉर्मेशन अगर C1 को C4 के पास भेजनी है ये C4 मान लेते हैं और इसके पास भेजनी है तो सबसे पहले इधर ट्रा, होगा और उसके बाद है। अब हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वायर्स है जो इसमें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है बहुत सारे केबल्स हैं तो इसमें मेस टोपोलॉजी को शायद मेस इसीलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेस क्रिएट कर दिया है इन्होंने वायर्स कम या फिर आप ये कह सकते हैं कि केबल्स का इन्होंने मैस क्रिएट कर दिया तो इसमें हर एक डिवाइस बाकी सारे डिवाइसेस के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होता है या फिर आप कह सकते हैं जैसे आपने देखा कि पॉइंट पॉइंट टू कम्युनिकेशन आदि टोपोलॉजी में आप एक हर एक डिवाइस मतलब वो उसमें एक दो डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं केबल के साथ तो इसमें भी ये पॉइंट टू पॉइंट है लेकिन हर डिवाइस के साथ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्योंकि टोटल पांच डिवाइसेस हैं तो फाइव माइनस वन फोर केबल्स कनेक्टेड होंगे या फिर मतलब हर एक डिवाइस यहाँ पे फोर केबल्स के साथ कनेक्टेड होगा और फोर डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होगा तो ये देख सकते हैं कि फोर उसी तरीके से सारे के सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं हर कोई एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है और इसीलिए ये लोग बहुत ज्यादा केबल्स का मेस क्रिएट कर रहे हैं मेस्टोकोलॉजी अब देखेंगे ट्री तो ट्री में जैसे कि आप जानते हैं कि ट्री में आपका एक मेन ब्रांच होता है जिसे आप कहते हैं कि बड़ी सी शाखा और उसमें से फिर छोटी छोटी दो शाखा निकल गई आप मान लीजिए कि ये आम का पेड़ है और उसके बाद फिर उसमें ढेर सारे पत्ते निकल गए तो उसी तरीके से ये भी है ट्री तो ये इसे आप मान लीजिए कि मेन वाला ब्रांच है ये वाला और ये दोनों जो है वो उसके सब ब्रांच है जो ये दूसरे दूसरे ब्रांच निकले ना ये दोनों ये दोनों है और फिर उनसे दो दो, दो यहाँ पे ब्रांच निकले हैं इसमें तीन भी निकल सकते थे ये जरूरी नहीं था कि ये दो ही रहते तीन भी हो सकते थे तो उसमें फिर यहाँ पे जितने भी ये पत्ते हैं या फिर उससे भी छोटे छोटे ब्रांच निकले तो ये क्योंकि एक ट्री की तरह मतलब पेड़ की तरह ही बढ़ रहा है इसीलिए इसे ट्रीटोपोलॉजी कहते हैं कि ट्री के आधार पे है इसीलिए इसे ट्रीटोपोलॉजी कहते हैं अब हम देखेंगे डेजी चेन तो डेजी चेन में होता है कि आप जैसे कि जानते हैं कि जैसे ह्यूमन चेन बनाया जाता है बहुत सारे कैंपेन को लेकर ह्यूमन चेन बनाया जाता है तो उसमें एक इंसान होता है और उसने दूसरे इंसान का हाथ पकड़ा और उसी तरीके से चलता चला जाता है तो उसी तरीके से जो चेन बनाते हैं ना उसी तरीके से डेजी चेन में भी होता है कि ये पहला हमारा डिवाइस है वो दूसरी डिवाइस के साथ हाथ पकड़ लिया या केबल के थ्रू कनेक्टेड हो गया दूसरा जो डिवाइस है वो तीसरी डिवाइस के साथ केबल के थ्रू कनेक्टेड हो गया और तीसरी डिवाइस जो है वो चौथी डिवाइस के साथ केबल के, के, के थ्रू कनेक्टेड हो गया इससे आगे भी होता तो एक और डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता तो उस तरीके से एक चेन बना रहे हैं ये लोग इसीलिए इसे डेजी चेन कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी तो ये लास्ट आपका टाइप है तो हाइब्रिड टोपोलॉजी जिस तरीके से आपको पता है कि किसी भी तरीके की दो चीजों को अगर आप मिक्स कर देते हैं दो अलग अलग चीजों को मिक्स करके एक नई चीज क्रिएट कर देते हैं तो उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं जैसे कि हम कहते हैं कि दो तरीके के जो पेड़ होते हैं उन दोनों पेड़ों को मिला करके हम उनका हाइब्रिड करके एक नया पेड़ तैयार कर देते हैं तो उसे हाइब्रिड पेड़ कहा जाता है या हाइब्रिड पौधा कहा जाता है हाइब्रिड फल कहा जाता है तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे दो टोपोलॉजीज को मिक्स करके दो अलग अलग टोपोलॉजीज को मिक्स करके एक अलग टोपोलॉजी बना दी गई अपनी सहूलियत के हिसाब से इसलिए इसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये जो है आपका ट्री टोपोलॉजी है क्योंकि एक मेन ब्रांच है उसके साथ सब ब्रांच निकले हुए हैं दो और यहाँ पे आपके दो तीन जो है वो ट्री टोपोलॉजी के ग्रुप्स हैं और वो एक बस के थ्रू कनेक्टेड है ये बीच में आपका बस जा रहा है तो बस के थ्रू कनेक्टेड है तो इसलिए बस टोपोलॉजी भी है बस टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी को मिला करके इसने ये बना दिया एक हाइब्रिड नया टोपोलॉजी तो ये एक पहला हाइब्रिड टोपोलॉजी है ये वाले तो, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये बीच में बस है और बस के साथ कनेक्टेड है आपकी रिंग तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ये, ये इसके साथ है इसके साथ है फिर इसके साथ है तो उस तरीके से तीन हमारे ग्रुप बने हुए रिंग टोपोलॉजी के और वो तीनों जो है बस इस बस के थ्रू कनेक्टेड हैं और इस बस के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इसीलिए ये रिंग और बस का जो मिक्सचर हुआ वो आपका हाइब्रिड करके बना दिया गया एक नया टोपोलॉजी तो ये हाइब्रिड टोपोलॉजी में हुआ तो इस वीडियो में यही तक है इसमें जितने भी आपके नेटवर्क टोपोलॉजी के टाइप्स हैं, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मैं एक एक करके फिर इन पे एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगी ताकि उसमें आपको ये पता चल सके कि जितने भी टोपोलॉजीज हैं, उनकी क्या लिमिट्स हैं क्या बेनिफिट्स हैं और किस टोपोलॉजी को किस केस में यूज किया जा सकता है किस टोपोलॉजी मतलब हर टोपोलॉजी को हर जगह पे आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी अपनी भी एक लिमिट्स होती हैं और कुछ टोपोलॉजीज को किसी और किसी काम के लिए यूज किया जाता है तो उसमें वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है तो इसी तरीके से हर एक टोपोलॉजी पे मैं अलग अलग, अलग वीडियो लाऊंगी और ये बिहार पॉलिटेक्निक का जो सिक्स सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का उस पर ये सारा सिलेबस के बेस्ड रहेगा ये सारा का सारा वीडियो तो बिल्कुल एज पर टू सिलेबस ये वीडियोज रहेंगे तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे तब तक के लिए टेक केयर हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू